जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है ना कया कया गुणधर्मो है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ऑल द एमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर बैक्टेरिसाइडल ड्रग्स एंड आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडिया। मीन्स आ बधी एमिनोग्लाइकोसाइड जो मेडिकेशन है ये बधी बेक्टेरिसिडल है। मीन्स बेक्टेरिया ने जो सेल्वो फॉर्मेशन हे सिंथेसिस है एनी अंदर इंटरफियर करते कारण बेक्टेरिया डाई थे। अने बधी मेडिकेशन है अल्कलाइन फॉर्म की अंदर। मीन्स पीएच 7 करता वधारे हशे अने कहीशुं अल्कलाइन फॉर्म तो अल्कलाइन मीडिया की अंदर वधारे एक्टिव हशे। ऑल द एंटीबायोटिक्स आर नेफ्रोटॉक्सिक एंड ऑटोटॉक्सिक। जितली पण आ एंटीबायोटिक्स है बधी ऑटोटॉक्सिक अने नेफ्रोटॉक्सिक है। ऑटोटॉक्सिक मीन्स ईयर नी अंदर डेमेज करे छे। जे बैलेंस सीस्टम है जे हियरिंग सीस्टम है एने डेमेज करे छे। वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व सेल्स है एने डेमेज करे छे एना कारणे ऑटोटॉक्सिसिटी थाय छे। अंदर नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी ने डेमेज थाय छे। किडनी नुं जे प्रॉपर फिल्ट्रेशन सीस्टम है एने अल्टर करे छे एने डेमेज करे छे। द सॉल्ट ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड आर यूज एज सल्फेट सच एज जेंटामाइसिन सल्फेट एमिकासिन सल्फेट। द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वॉटर एंड द सॉल्यूशन रिमेन स्टेबल फॉर मंथ। मीन्स बद एमिनोग्लाइकोसाइड ना जो सॉल्ट है सल्फेट ना फॉर्म की अंदर हे। मेडिकेशन की पास सल्फेट लगेलू हे लाइक एज जेंटामाइसिन सल्फेट एमिकासिन सल्फेट। सल्फेट नु फॉर्म जो है ये वॉटर की अंदर वधारे सॉल्युबल है वधारे एक्टिव फॉर्म में रही सके। These antibiotics are excreted and unchanged in urine by glomerular filtration. Kidney ની અંદરથી પાસ થશે ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન થ્રુ ત્યારે પણ એની જે ફોર્મમાં હતું એની એ જ ફોર્મમાં રિમૂવ થશે. The aminoglycoside antibiotics have mechanism of action by interfering with protein synthesis of microorganism. મીન્સ એમિનોગ્લાઇકોસાઇડની મેડિકેશન કઈ રીતે એક્ટ કરે છે જે બેક્ટેરિયાની સેલ્યુલર ફોર્મેશન છે એની અંદર ઇન્ટરફિયર કરશે જે પ્રોટીન બાઇન્ડિંગ મિકેનિઝમ હશે એની સાથે આ મેડિકેશન બાઇન્ડ થશે એના કારણે જે પ્રોપરલી જે સેલ્યુલર ફોર્મેટ થવી જોઈએ એ નહીં બને એના કારણે બેક્ટેરિયા ડાઈ થશે બેક્ટેરિયા કિલ થશે. ધીઝ એન્ટીબાયોટિક્સ આર નોટ એબ્ઝોર્બ ઓરલી ધેર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર. મીન્સ આ મેડિકેશન છે એ ઓરલ ફોર્મમાં एब्जॉर्बेबल नहीं। मीन्स आ आईएम फॉर्म में हे अथवा आईवी फॉर्म में हे ने डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्स्ट्रा सेल्युलर। मीन्स जो सेल है मेडिकेशन एक्शन थ्री वेज की अंदर एक्ट करते एक्स्ट्रा सेल्युलर हे ऑन द सेल हे और इंट्रा सेल्युलर हे तो आ मेडिकेशन है एक्स्ट्रा सेल्युलर है। मीन्स सेल नी आउटर साइड पर वर्क करे। इट डज नॉट पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बेरियर और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मीन्स आ मेडिकेशन है जो ब्लड ब्रेन बेरियर BBB ब्लड ब्रेन बेरियर मीन्स ब्रेनना जो बेरियर हो पास थत नहीं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तना पर इफेक्ट थत नहीं बिकॉज इट मीन्स आ मेडिकेशन है ब्रेन पर असर करते नहीं। द एंटीबायोटिक्स हैव नेरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑन प्रोलॉन्ग यूज दे कॉज टॉक्सिसिटी। मीन्स आ जो मेडिकेशन है अंदर सेफ्टी चांसेस थोड़ा બીજી મેડિકેશન કરતાં ઓછા છે બિકોઝ આ મેડિકેશન લોંગ ટાઈમ તમે યુઝ કરો છો તો ઓટોટોક્સિસિટી થાય છે નેફ્રોટોક્સિસિટી થાય છે ન્યુરોમસ્ક્યુલર ડેમેજ થાય છે. ધીઝ એમિનોગ્લાઇકોસાઇડ્સ હેવ નોટ એક્શન અગેન્સ્ટ એનએરોબ્સ. એનએરોબ મીન્સ ધેન ધ બેક્ટેરિયા દેટ નો નીડ ધ ઓક્સિજન એને કહીશું એનએરોબ્સ અજારક બેક્ટેરિયા. તો આવા બેક્ટેરિયા હશે એના ઉપર એની કોઈ ઇફેક્ટ નહીં થાય. And the antibiotics are active against aerobic gram negative bacillus. खाली effective कौन आगे हे aerobic अने gram negative bacteria. Aerobic means the bacteria who need the oxygen for the proper growth. And the bacillus जो है ये gram negative होवा जोईए. Okay, thank you so much for watching this video. Video सारो लगे हो like करो share करो subscribe करो. Thank you so much.